2 दिन पहले ना कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे जिसमें लिखा था कि 1:30 बजे लंबी घंटी बजेगी, फिर 1:50 पे छोटी घंटी बजेगी, फिर लंबी छोटी घंटी, ऐसे कुछ कुछ घंटियाँ बजेंगी। तो उसमें 1:30 बजे बच्चे घुसेंगे, 1:50 पे वो सील्ड एनवेलप बांटना शुरू कर देंगे, और 2 बजे घंटी बजेगी तो फिर खोल देंगे इस एनवेलप। तो एनवेलप के अंदर OMR होगा, तो OMR आपको 2 घंटे के अंदर ही भरना है। एंड मतलब पहले से जो OMR प्रैक्टिस करते हो वो वाली, उनको थोड़ा नुकसान होगा क्योंकि आपको OMR उसी के अंदर डिटेल्स भी भरने हैं। अब इसको लेकर इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से पता था। और जो OMR पे डिटेल्स में नाम रोल नंबर होता है वो 1-2 मिनट चला गया तुम्हारा, ठीक है। एंड फिर जो घंटियाँ हैं वो पता नहीं बजती हैं कि नहीं बजती हैं, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत जगह बजी नहीं थी। तो घंटियों को पे ऐसे मत लगे रहना कि घंटी कब बजेगी, घंटी कब बजेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट ईयर मेरी बात हुई थी फैज़ान नाम के एक व्यक्ति हैं उनसे, तो उन्होंने बोला था कि मतलब हर जगह ये रूल्स फॉलो नहीं हुए थे क्योंकि बहुत जगह पहले मिल गया था, बहुत जगह बाद में मिला था, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि लास्ट ईयर इसको घंटी सुनाई दिया जोर से, बाइक चला के गया। तो लास्ट ईयर ये इन्फॉर्मेशन 2-3 दिन पहले आया था, इसलिए कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था सेंटर्स के साथ, बट उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस चीज़ को, बोला था मैंने तो बोल दिया था तो उनकी गलती है। इस बार शायद पहले से पता होगा तो सारे सेंटर्स एक जैसी चीज़ फॉलो करेंगे। तो इस चीज़ को सोच के पैनिक मत करो कि लास्ट ईयर जैसा पहले मिल गया बाद में मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली सबको साथ में मिलेगा और सबके लिए इक्वल टाइम होगा, ठीक है। 2 मिनट काट लेना बस डिटेल्स भरने का। एंड OMR तो सब लोग प्रैक्टिस कर ही रहे हो 2 घंटे के अंदर इंक्लूड करके, राइट। तो इस पर डिस्कशन मत करो, कल बहुत लोग डिस्कस कर रहे थे फालतू की बातें वो, ठीक है। लास्ट ईयर जैसा कुछ नहीं होगा इसमें। एक चीज़ हो सकता है जो मैथ्स में गड़बड़ हो जाए, क्वेश्चन इधर गड़बड़ हो जाए, वो तो उनका ट्रेडमार्क है, मतलब उनका समझ रहे हो ना अधिकार है गलत क्वेश्चंस डालना।